हेलो बच्चों, कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि अब नहीं हो पाएगा। अभी हम अपने काम को, जो काम में करना चाहिए रेगुलरली, और उस काम को हम छोड़ के कहीं और एंगेज हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद हमें पछतावा होता है, यार उस समय कर लिए होते तो अच्छा था। तो बच्चों, इसी से रिलेटेड में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, लोगों ने करके देखा है इसको। कि आपने देखा होगा जो शेर होता है, शेर, उस सिर को एक पिंजरे में बंद कर दिया। ट्रांसपेरेंट बॉक्स था और उसमें दो पार्टीशन किया गया, और आपके सिर को एक पार्टीशन में बंद कर दिया गया और दूसरे पार्टीशन में मांस का टुकड़ा रख दिया गया। तो सिर, चूंकि सिर है, मांस का टुकड़ा देखता है तो क्या होता है, झपकता है। लेकिन पार्टीशन लगा हुआ है बीच में, तो पार्टीशन से टकराता और पीछे आ जाता है सिर। तो बच्चों, फिर से सिर है, फिर रुकेगा नहीं, फिर से झपकेगा, फिर से पार्टीशन से टकराएगा, फिर से पीछे आ जाएगा। तो सिर क्या करता है, ऐसे 10 से 12 बार वो क्या करता है, ट्राई करता है, लेकिन बार बार वो पार्टीशन से टकरा जाता है और पीछे बैक हो जाता है। तो धीरे 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 उसके दिमाग में ना एक प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है कि यार बीच में कुछ ऐसी चीज है जिससे मैं उस साइड में नहीं जा सकता हूं, ये पॉसिबल ही नहीं, मैं उसको कैच ही नहीं कर सकता, मैं उसको पकड़ ही नहीं सकता, मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरे किस्मत में है ही नहीं, हो अब नहीं हो पाएगा। तो वो शेर चुपचाप आके कोने में बैठ जाता है। उसके बाद बच्चों, ये देखा गया कि जब पार्टीशन को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, फिर डंडे से भी शेर को मारा जा रहा है तो भी शेर उस मांस को लेने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग फिट हो गई, अब नहीं हो पाएगा, वो हमें नहीं मिल सकता है। वो गिव अप कर देता है और छोड़ देता है, जबकि पार्टीशन रिमूव हो चुका है और मैदान बिल्कुल साफ है और वो जा सकता है, आसानी से उसको कैच कर सकता है, लेकिन नहीं जा रहा, क्योंकि इसके ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग सेट हो चुकी है। तो बच्चों, ये प्रोग्रामिंग आपके दिमाग के अंदर में कभी आने मत दीजिए कि कभी नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बार 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 ट्राई करना है। जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे आपसे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं हो पाएगा, आपको ट्राई करिए, फाइंड आउट करिए। और अभी तो आज की डेट में बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को गूगल के अंदर में डालिए, गूगल भगवान आपको उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड कर ही देंगे, क्योंकि अभी आज की डेट में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो सॉल्यूशन को देखिए, एनालिसिस करिए, बस टाइम देते रहिए, लगे रहिए, छोड़िए मत, और बिल्कुल प्रोग्रामिंग सेट मत होने दीजिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा। 101% आप कर लेंगे यदि आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहेंगे, तो आपको पीछे आने की जरूरत नहीं है, बस आपको लगे रहने की जरूरत है। तो करते रहिए, ऑल द बेस्ट।